अरे यार, राजा ब्लॉग्स के लाइफ में क्या चल रहा है? राजा ब्लॉग्स का जो लाइफ में पहले इतना अच्छा खुशी खुशी वीडियो बनाता था, रील्स बनाता था, शॉर्ट्स वीडियो, लॉन्ग वीडियो, सब तरह का वीडियो बना रहा था, लेकिन उनके मम्मी पापा को देख के लग रहा है बहुत ख़राब लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, राजा ब्लॉग्स अभी क्या है, तीन सिचुएशन बता रहे हैं। राजा ब्लॉग्स अभी घर बना रहा है अच्छा से खुशी खुशी, अब उसके मन में दुखी क्या है, दुख क्या है वो तो दिखा नहीं रहा है, दिखाते दिखाते बेचारा थक गया होगा। उसकी बहन है सुहानी, वो अभी सेल्फी ले रही है फैंस के साथ, और उसकी माँ रोज रोती है और बोल रही थी कि राजा हमको मारा है इस तरह से, मेरा ये टूट गया है, जो फेफड़ा होता है बैक साइड में जो होता है, मतलब बैकबोन नहीं टूटा है, उसके बगल का जो ये जो फेफड़ा होता है, रिब्स होता है, इंग्लिश में रिब्स बोलते हैं, वो टूट गया ऐसा बता रही है। तो आपको तीनों का सिचुएशन बता रहे हैं, बना रहा है, उसकी माँ पापा रोज रो रहे हैं अपने दशा पे, माँ बेटे के करने पे, मतलब बेटा, उनको लगता है बेटा बहुत ख़राब है, हमारे साथ बहुत गलत करके गया, अब बेटी सेल्फी ले रहा है। देखो विनोद क्या चल रहा है लाइफ में, ऐसे में तो वेब सीरीज बन जाएगा भाई साहब। एक्चुअली हमारे बिहार का स्टोरी है, तो हम सोचे बिहारी होते, एज ए बिहारी हमें भी इस चीज़ पे थोड़ा बहुत टिका टिप्पणी करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। अब देखो, एक लड़का है जो जीरो से लेकर के एकदम जीरो, मतलब क्या बोलूँ, एक तरह से बेरोजगार लड़का, जीरो से हीरो बना, मतलब हीरो तो नहीं बोल सकते हैं, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, ऋतिक रोशन जैसा नहीं, मतलब सोशल मीडिया का हीरो बन गया। 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर होना बड़ी बात होता है, ठीक है, हमारा तो अभी 10,000 भी सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ, हम इतना दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, आजकल छपरी का ही दिन है, आप बढ़िया वीडियो बनाएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे तो नहीं देखेगा, आप कुछ थोड़ा सा तड़का लगा दीजिए, थोड़ा सा नमक तेल लगा दीजिए और कंटेंट डालिए तो बहुत देखता है। भोजपुरी वीडियो का अभी ज़्यादा ट्रेंड है, तो हम लोग जैसा आदमी ऐसा है कि हम लोग का अच्छा पहचान है सोसाइटी में, सब समझता है पढ़ा लिखा लोग है, अगर हम लोग जैसा आदमी भोजपुरी गाना पे डांस करने लगेगा तो फिर असभ्य मान लेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सारा कहानी ख़त्म। तो हम लोग को क्या है कि हम लोग को थोड़ा सा पर्दा में रहना पड़ता है, भले हम लोग ईयरफोन लगा के भोजपुरी गाना सुन ले, पलंग सागमान के या जो भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग भोजपुरी गाना या फिर फिल्म नहीं देखे हैं या नहीं समझते हैं, समझते, लेकिन इतना वल्गर हो गया है, इतना गंदा गंदा कंटेंट बनाने लगा है तो हम लोग नहीं देखते हैं। जैसे अभी एक गाना आया था ना, देखा था नी मुस्की मारा तारू, मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे मरून कलर सरिया, मरून कलर सरिया, ये वाला जो गाना है ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, और भी बहुत सारे भोजपुरी गाना है अच्छा लगता है, एटलीस्ट ये भी अच्छा गाना लगता है। एटलीस्ट इतना तक ठीक है, लेकिन इतना गंदगी मच गया है भोजपुरी में कि भोजपुरी गाना, हम भी वेस्ट बंगाल में रहते हैं, हम कभी भी नहीं बोलते कि हम भोजपुरी गाना सुनते हैं या अच्छा है, या कुछ कुछ लोग यहाँ भी भोजपुरी गाना सुनता है, मज़ा आता है, मस्ती आता है। तो इसकी बहन जो है सुहानी, वो भी भोजपुरी गाना पे कमर लटका रही है ज़बरदस्त तरीके से, आप सोचो उसकी माँ पिताजी रो रहे हैं, और अच्छा बेटी तो नहीं है वो, अगर वो अच्छा बेटी रहती तो एटलीस्ट वहाँ रहती। देखो अभी सब कुछ पैसा है भैया, सब कुछ पैसा है, पैसा पे सब कुछ चल रहा है, वो अपना पैसा कमाने में बिजी है सुहानी जो है बेटी, राजा ब्लॉग्स अपना घर बनाने पैसा कमाने में बिजी है, उसकी माँ रोने दुखरा सुनाने में बिजी है, ठीक है, एक एक चीज़ को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करती है कि देखिए हम दवाई खा रहे हैं, देखिए हमको ये मार दिया। अरे फैमिली मैटर फैमिली में ही रखना पड़ता है, आप ब्लॉग बनाइए ना, अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है तो मत बनाइए वीडियो, लेकिन क्या है भैया, पैसा भी कमाना है, इज्जत को भी उछालना है, बेटे के साथ क्या हुआ, बेटी के साथ क्या हुआ, घर में क्या चल रहा है, सारा नौटंकी दिखाएगा सोशल मीडिया पे। हम लोग में भी झगड़ा होता है, हमारे फैमिली में भी झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग कभी भी सोशल मीडिया पे उसको प्रेजेंट नहीं करते कि देखिए हमारे साथ ये हुआ ये हुआ,
मेरी मम्मी ऐसे बोल दिया, मेरे पापा ऐसे बोल दिया, मेरी बहन ऐसे बोल दिया, मेरी वाइफ ऐसे बोल दी, तो ढेर सारे नौटंकी चलते रहता है। लेकिन कभी भी हम लोग ये सब चीज़ नहीं बोलते हैं, कि कभी भी छुपा कर रखते हैं। देखो हम लोग अभी हम जो है 100 डेज का ब्लॉग्स शूट कर रहे हैं कि 1 डे, 2nd डे, 3rd डे, 4th डे में क्या हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे 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 बीच में भी झगड़ा होता है, लेकिन कभी भी हम उसको अभी भी वीडियो में शो नहीं करने की कोशिश की है। देखो घर का इज्जत घर में ही रहना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। हर चीज़ को सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं जा सकता है, ठीक है। देखिए हम आपको क्या बताते हैं, सुबह उठते हैं और सोने वक्त तक का हम वीडियो आपको दिखाते हैं। और तो ऐसा लोग नहीं करता है, कंटेंट नहीं मिल रहा, कुछ भी दिखा रहा है, लोग भी देखने में बड़ा इंटरेस्टेड है, लोगों का घर का झगड़ा ये सब देखना चाहता है, आखिर क्या चल रहा है उसके लाइफ में। हम इन लोगों का वीडियो ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन जब से ये सब नौटंकी चल रहा है तो हम कभी कभी देख लेते हैं, तो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, बस इन लोगों का स्टोरी पहले से ही पता चल जाता है। क्योंकि एक्चुअली हम भी उसी सोसाइटी से निकले हैं ना, बिहार से, तो ढेर सारे फैमिली बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तभी सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो ऐसे ही हम लोग सोसाइटी में देखते थे। अभी भी वही चीज़ चल रहा है, बस उसको अब सोशल मीडिया पे कर दिया है ड्रामा। सोशल मीडिया पे ड्रामा चलते रहता है, बाप बेटा में, माँ बेटी में, बेटा माँ में, ये सब चलते रहता है, सास ससुर में, तो ढेर सारे चीज़ चलते रहता है, नौटंकी, दहेज लेना है, वो लेना है, ये लेना है। एक्चुअली क्या बिहार है, देखो अभी जो ये सब चीज़ चल रहा है ना, ये छपरी, कुछ कुछ छपरी जो आ गया है ना उसके घर में, इसके वजह से पहले उन लोगों का लाइफ बहुत अच्छा था। जिसकी बहन अच्छा से बोल नहीं पा रही है भाई के सामने, वो अच्छे से अभी मुंह तोड़ जवाब देती है, बदतमीजी से बात करती है, सोचो कैसा दिन आ गया है। तो किसके वजह से आ रहा है, ये छपरी जो शादी कर लिया है उसके वजह से आ रहा है, उसको सिखाता होगा, ब्रेन वॉश करता होगा, इसीलिए ऐसा कर रहा है। अब राजा ब्लॉक्स की जो वाइफ है, देखो बचपन से जो एक साथ रहा है तो इमोशन बना हुआ है, नया नया शादी करके आया, उसको डायरेक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे राजा ब्लॉक्स का भी गलती देखेंगे कि वाइफ का बात क्यों मानेगा वो, माँ बाप का बात मानना चाहिए। हमारे घर में भी ऐसा होता है, लेकिन हम कभी भी वाइफ की बात को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखो वो आज आई है, वो आपकी फैमिली को नहीं समझती है, वो कुछ बोल सकती है उल्टा सीधा, ठीक है। तो ऐसा होता है, जैसे हमारे ऑफिस में ही कुछ कस्टमर्स ऐसे आते हैं, कुछ क्या, बहुत सारे कस्टमर हमको बहुत प्यार करते हैं, अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं हमें, उनका प्रॉब्लम के समय हम हमेशा साथ देते हैं। लेकिन मेरे जो कुछ स्टाफ आते हैं जो नए कुछ दिन के लिए, 2 दिन, 5 दिन के लिए आते हैं, तो उन लोगों से उस तरह से ट्रीट नहीं हो पाता है, क्योंकि उन लोगों को जानते नहीं है। हम पर्सनली जानते हैं तो हम अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो क्या है, धीरे धीरे इमोशन बनता है ना, धीरे धीरे प्यार होता है, लाइट में प्यार हो गया तो थोड़ा 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 इमोशन बनते बनते ना रिश्ता बनता है। यहाँ तो 2 मिनट में रिश्ता बना और फिर उसके बाद पे आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। वाइफ के मैटर को, बहन का जो पति है उसका मैटर को, दूसरे घर वाले का मैटर को अपने घर में शामिल नहीं करना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ को आप सोशल मीडिया पे मत दिखाइए, उसको सॉर्ट आउट कीजिए प्रॉब्लम को। आपकी माँ, राजा ब्लॉक्स को बोलना चाहेंगे, आपकी माँ रोती है, अच्छा नहीं लगता है, लोग सब क्या बोलेगा, ठीक है। हर चीज़ पैसा नहीं होता है, पैसा तो है लेकिन इज्जत भी ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर आपके पास करोड़ों रुपया है, इज्जत नहीं है, कोई भी दो को गाली दे के चला गया रोड साइड में, तो आपका क्या इज्जत कैसा लगेगा। आप कितना भी स्कॉर्पियो पे चलिए, मर्सिडीज पे चलिए, कोई इज्जत नहीं रहेगा, ठीक है। तो इज्जत के साथ साथ पैसा ज़रूरी है। आपके पास अभी पैसा हो गया, आपने जीरो से हीरो तक बना है आप, तो अभी आपको अपना फैमिली को देखना चाहिए। आप अकेले घर में लड़का है, आपको सपोर्ट करने वाला, आपके फैमिली को सपोर्ट करने वाला आप अकेले बंदा है, तो आपको आपके घर के मैटर को देखना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए, दिमाग लगा के काम करना चाहिए। राजा ब्लॉग्स तो हम आपको गलत नहीं बोलते हैं, ना ही आपके माँ को गलत बोलते हैं, ना आपके बहन को गलत बोलते हैं, सब अपने जगह पे ठीक है। लेकिन ये जो भावुक हो जाते हैं, तुरंत तुरंत दूसरे के बात पे आकर चलना, ये सही नहीं है, ठीक है। दूसरे के बात को मत फॉलो कीजिए, आप लोग जैसे रहते थे वैसे ही रहिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। आप वाइफ के साथ वीडियो बनाते हैं, आपकी बहन और उसके पति के साथ वीडियो बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैमिली को भी देखना चाहिए, पैसे के चक्कर में फैमिली को मत बोलना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इतना ज्ञान ठीक है, हम भी कुछ ज़्यादा कुछ किए नहीं, हम वैसे भी पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एज ए बिहारी हम आपको थोड़ा सा सोचे रास्ता दिखा देते हैं। चलिए है।